रोहतास जिले के नासिरगंज प्रखंड क्षेत्र के बरडीहा गांव के निवासी सह वीवो मोबाइल कंपनी विक्रमगंज के डिस्ट्रीब्यूटर अंशु उपाध्याय ने वीवो मोबाइल कंपनी के ऊपर पैसे का चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने जारी एक बयान में वीवो मोबाइल कंपनी के बीएम सेल्स मैनेजर प्रमोद भदानी पर चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं 7 वर्ष पुराना डिस्ट्रीब्यूटर हूं, लेकिन अब कंपनी के बीएम प्रमोद भदानी कैश पैसा का डिमांड 3 महीना से मुझसे कर रहे हैं। जो दुकानदार का स्पेशल सपोर्ट का पैसा आता था वो उसका 50% कैश मांग रहे थे, जिसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। जब हम मना किए तो बोले कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे हैं, आपको भी देना होगा, आप पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। जब मुझसे रहा नहीं गया तब मैंने पैसा देने से मना कर दिया। फिर वो मुझे तरह तरह की धमकी देना शुरू कर दिए, जिसकी शिकायत चाइना अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय इनकम टैक्स कार्यालय में की गई है। शिकायत सारा प्रूफ के साथ अंशु उपाध्याय ने मांग किया है कि अविलंब प्रमोद भदानी को कंपनी से हटाया जाए। रोहतास से राम मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, हम 7 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं वीवो के, और जब विक्रमगंज में कोई वीवो नहीं कर रहा था, जब 5-6 लाख का सेल था वीवो का, तब से हम काम कर रहे हैं और एक अच्छे जगह को उसको लेके आए हैं। सब कुछ ठीक था। इधर 6 महीना से जो कंपनी के बीएम है प्रमोद भदानी जी, ये हमको पर्सनली बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, और इसका तीन रीज़न इसका कहा जा सकता है। पहला रीज़न ये है कि जैसे ये इनका कुछ मेरे से डिमांड हुआ पैसे का, इसका मेरे पास प्रूफ भी है, हम आपको अभी रिकॉर्डिंग इसमें देंगे, आप देखिएगा, और मीडिया बंधु हैं आप, इसको आप अपने स्तंभ से इसको देखिए, इसको क्या करना है। ये जैसे कोई रिटेलर का अगर 10 लाख का टारगेट है, तो ये लोग इसको 12 लाख बढ़ा के दिए और उसको बोले कि 10 लाख करोगे तो 0.5% मिलेगा, 11 लाख करोगे तो 12 लाख करोगे तो 0.5% मिलेगा, 11 लाख करोगे तो 0.4% मिलेगा, और 10 लाख करोगे तो 0.3% मिलेगा। रिटेलर किया 10 लाख, कंपनी दिया हमको 0.5%, क्योंकि कंपनी 10 ही लाख टारगेट दिया था। अब इनका कहना था कि जो 0.5 और 0.3% के बीच में जो गैप है, वो पैसा हमको चाहिए, और ये लगातार 3 महीना से मेरे से ले रहे थे। जब ये मेरे से नहीं रहा गया, तब हम इनको बोलना शुरू कि हम पैसा नहीं देंगे। 8 मई को मेरा जन्मदिन था, उस दिन हमसे पैसा फ़ोन करके पर्सनल अकाउंट में पैसा का डिमांड किए, हम बोले कि नहीं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। 9 तारीख को बिना बताए यहाँ पर आके विजिट किए, उल्टा पुल्टा इधर उधर मैसेज करना शुरू किए और मेरा बिलिंग बंद किए। फिर बिलिंग शुरू हुआ और इनका जो एसएम है, इस एसएम पे अभी सासाराम में लड़की का छेड़खानी भी किया इनका एसएम, जो विक्रम तिवारी जी इनका एसएम है, वो लड़की भी मेरे पास प्रूफ में है। अगला बयान हम लड़की से आप लोग से दिलवाएंगे। 20 दिन पहले लड़की से के साथ छेड़खानी किए हैं, उसको पहले बरगला के कि तुमको हम अच्छा मोबाइल देंगे, तुम मेरे बॉस प्रमोद बॉस से मिलो, और उसके साथ गलत नियत से वो लड़की सब कुछ एक्सेप्ट की है। हम 2-4 दिन के बाद आप लोग को बुला के उसका भी बयान वो कराएंगे, ये तो खैर अलग केस है। उसके बाद देखिए, हम मेल किए कंपनी को मेल किए। मेल करने के बाद ये और मेरे पे दबाव बनाना शुरू किया लोग, मेरा बिलिंग बंद कर दिया है लोग। अब आप लोग वो रिकॉर्डिंग सुनिए जिसमें ये पैसे का डिमांड कर रहे हैं। देखिए, 2 रिकॉर्डिंग है, देखिए। आपको भैया व्हाट्सएप किए हैं, ये देख लीजिए। कह रहे थे ना कि नहीं, ये रिकॉर्डिंग क्या हाल है, कहते हैं ठीक है, आप बताइए। आपके पास 1869 रुपया जो है स्पेशल सपोर्ट का पैसा है, ठीक है ना। देखिए, एक ये रिकॉर्डिंग है, पूरा रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, क्योंकि इसमें आप पूरा नहीं ले सकते हैं। दूसरा देखिए, प्रमोद भदानी हमसे फोन करके कैसे पैसा मांगता था। हेलो, प्रणाम, क्या हाल चल रहा है, क्या हाल चल रहा भैया। बस 50 लाख डाल दीजिए। मेरे पर्सनल अकाउंट में 50 लाख डाल दीजिए। देखिए, अपने पर्सनल अकाउंट में मेरे से पैसा डलवा रहा है, ये प्रमोद भदानी जी हैं, ये मतलब यही सब कहानी है, और इसके बारे में हम विस्तृत से आप लोग को बयान दे रहे हैं, वो आप लोग अच्छे से निकालिए। आगे क्या करेंगे आप,
आगे हम मेल कर चुके हैं, ये मेल सीएमओ ऑफिस के पास भी गया है। देखिए हम जाके मिले मनीष वर्मा जी से, जो नीतीश जी के पर्सनल असिस्टेंट हैं, वो बोले कि तुम मेल मेरे यहाँ फॉरवर्ड करो। वो हम मेल सीएमओ बिहार को, और फिर देखिए उसके बाद ये सीएमओ बिहार जो है ये मेल फॉरवर्ड कर चुका है किसको किसको, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री के है और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। इस पे जांच चल रहा है, हमसे बोला गया कि 15 अगस्त के बाद तुम आओ पटना, तुम अपना सारा बयान दो और उसके बाद हम लोग इस पे लीगल एक्शन लेंगे। और ये जो सासाराम वाला बात है, जो लड़की वाली बात है, 2 से 4 दिन के अंदर हम उस लड़की से आप लोग को बयान दिलवाएंगे कि कैसे ये जिनका एएसएम है उसको टॉर्चर कर रहा था कि तुम चलो मेरे बॉस से मिलो। अब क्या बॉस से मिल के वो करना चाह रहा था इसके बारे में भी आप लोग को हम बताएंगे। और ये बार बार जो पैसे की वजह से हमको टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से मेरा मानसिक स्थिति खराब हो रहा है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो हम वीवो ऑफिस में जाके आत्मदाह भी कर सकते हैं। और इसलिए हम चाइनीज से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रमोद भदानी को टर्मिनेट करो और नया यहाँ पे बीएम लाओ जिसके साथ हम लोग अच्छे से काम करें। देखिए 8 मई को हमको पैसे के लिए डिमांड किया, 9 मई से मेरा बिलिंग बंद किया था, फिर हम रिक्वेस्ट किए, बिलिंग स्टार्ट किया, फिर बिलिंग बंद किया। प्रमोद भदानी दिमाग की तरह बर्बाद कर रहा है वीवो को, उसका और भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सारा साक्ष्य हम एक जगह ऑडियो में बना के हमको, चूंकि सीएम ऑफिस से मनीष वर्मा सर हमको बोले हैं कि तुमको किसी को ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, सब एक पेन ड्राइव में करके तुम मेरे यहाँ जमा करो, हम लोग जाँच करवा रहे हैं वीवो पे। तो क्योंकि वीवो बुरी तरह से ना फंसे, इसलिए हम चाइनीज जो रीज है, लैरी है, उससे हम बोल रहे हैं कि प्रमोद भदानी को जितना जल्दी टर्मिनेट करो और यहाँ नया बीएम लाओ अगर वीवो को बचाना है तो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंशु उपाध्याय नाम है, विक्रमगंज के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं वीवो के, और जेडीयू के प्रदेश महासचिव भी हैं। हम राजनीति करते हुए इतना अच्छे से बिजनेस को संभाले हैं, अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम आगे इससे बड़ा कदम उठाएंगे।